महाराष्ट्र विधानसभा के रुझान अब लगभग परिणाम का रूप ले रहे हैं। फिलहाल 228 सीटों पर बीजेपी प्लस ने बढ़त बनाई हुई है, तो वहीं कांग्रेस प्लस फिलहाल 55 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। ये फाइनल नतीजे नहीं है, लेकिन पिक्चर धीरे धीरे साफ हो रही है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस सामने आकर जनता से बातचीत भी कर चुके हैं, जनता का आभार भी जता चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। इसलिए एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की बात ने भी जोर पकड़ लिया है। लेकिन ये कयास यूं ही नहीं लग रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए फडणवीस की मुस्कुराहट देखिए, आंखों में ये सुकून देखिए, और तो और अब ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में देवेंद्र फडणवीस को एक कॉल आता है, फडणवीस फोन उठाते हैं, उधर से जो कोई जो कुछ भी कह रहा है वो सुनकर फडणवीस मुस्कुराते हैं। पहले सुनिए फडणवीस ने जीत के बाद आखिर कहा क्या। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है, और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अब इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो है देवेंद्र फडणवीस के आवाज का। यहाँ जोश देखिए, नेता दोस्तों और कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि फडणवीस को गोद में ही उठा लिया। अब ये वीडियोस जमकर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। अगर ये तस्वीरें भी काफी ना लगे तो ये पोस्टर देखिए जो अब महाराष्ट्र की गलियों में नजर आ रहे हैं। खैर, अब ये तो साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में सरकार महायुति की ही बनेगी, और एक बार अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर साथ आकर एक मंच से ये भी कह दिया है कि जो भी पार्टी तय करेगी, जो भी महायुति में तय होगा वही सीएम चेहरा होगा और आपस में कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन सीएम होगा कौन, अब ये काफी दिलचस्प हो गया है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, जिस तरह से उन्हें रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है, अब वो होता है कि नहीं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपके हिसाब से कौन होना चाहिए महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, हमारे साथ आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।